थैंक यू वेरी मच अगेन. मैं आप लोगों से ऐसा कुछ नहीं कह सकता जो आप पहले से नहीं जानते. सॉरी, मुझे बहुत गर्मी लग रही थी इसलिए मुझे उतारना पड़ा, वरना मैं पहने रखता. लेकिन सिर्फ दो चार बातें बोल दूंगा मैं आपको, क्योंकि मैं यहां पर आया हूं और मुझे बहुत फक्र होता है जब तालीम कोई हासिल करता है. मैं भी सराफ साहब को भी यही बता रहा था, मुझे खुद जो है बहुत प्राइड होती है जब लोग पढ़ाई लिखाई करते हैं. मुझे लगता है तालीम से ज्यादा अहम कोई भी चीज दुनिया में नहीं है. और जैसा मैंने आपसे कहा, इस वक्त ये जो आपका मुकाम है, ये जो उम्र है आपकी, इस उम्र में आप में सबसे ज्यादा जज्बा होगा, सबसे ज्यादा ब्रेन सेल्स होंगे और सबसे ज्यादा बाल होंगे. कुछ सालों बाद जज्बा भी कम हो जाएगा, बाल भी कम हो जाएंगे, ब्रेन सेल्स भी कम हो जाएंगे. सो ये जो मौका आपको जिंदगी ने दिया है, ये जो थ्रेशोल्ड पर आप हैं, जब आप बाहर जाएंगे, काम करना शुरू करेंगे और पढ़ाई करेंगे, आप में से कुछ ग्रेजुएट हो रहे हैं, कुछ पोस्ट ग्रेजुएट हो रहे हैं, बहुत सारे अभी पीएचडी हासिल करके गए, आप लोगों को सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि जैसे आपकी सोच है, जो आपके दिल में आए, जिंदगी भर सिर्फ वही कीजिएगा. क्योंकि जब आप मेरी उम्र के होंगे या अपने मां बाप की उम्र के होंगे, अपने टीचर्स की उम्र के होंगे, तो कहीं ना कहीं दिल में कोई ना कोई रिग्रेट रह जाती है कि मैंने वो क्यों नहीं किया. तो हर लड़के और हर लड़की को मैं सिर्फ यही कहूंगा, प्लीज जो दिल में आए इस उम्र में जरूर कीजिएगा. मेरे जो वालिद थे, मैंने जैसे बताया बहुत पढ़े लिखे थे, तो उन्होंने बहुत गरीब भी थे, उनको कभी कोई नौकरी नहीं मिली, हार्डली उनके पास पैसे होते थे. जो भी बिजनेस उन्होंने शुरू किया, इतनी तालीम हासिल करने के बाद भी वो फेलियर ही रहा. लेकिन उन्होंने बहुत प्यार दिया, और क्योंकि उनके पास पैसे नहीं होते थे, तो मेरे हर जन्मदिन पे अपनी कोई पुरानी चीज मुझको दे दिया करते थे. तो पहली पुरानी चीज जो, और बहुत बड़ा चढ़ा के उर्दू में अच्छे अच्छे अल्फाज यूज करके मुझे इंप्रेस करते थे कि बहुत अच्छा प्रेजेंट दिया है मुझको, तो वो मुझे पहली चीज उन्होंने मुझे, ये मैं हर जगह पर बोलता हूं, स्कूल के बच्चों के फंक्शन पे, येल यूनिवर्सिटी में, एडिनबरा में, क्योंकि आप लोग सब अपनी लाइफ के उस थ्रेशोल्ड पे हैं जहां से आपको कामयाबी हासिल करनी है इंशाल्लाह. सो पहली चीज जो उन्होंने मुझे दी थी, उन्होंने मुझे अपना शतरंज का सेट दिया था, टूटा फूटा सा. वो शतरंज हर रोज खेलते थे. हनुमान मंदिर के जो हेड प्रीस्ट थे, पंडित थे, उनके साथ रात को जाके मेरे वालिद जो हैं शतरंज खेलते थे. और उन्होंने मुझे कहा कि शतरंज से आप जिंदगी के बारे में बहुत कुछ चीजें सीख सकते हैं. पहली ये कि कोऑपरेशन और साथ मिलजुल कर काम कैसे करना है. दूसरी ये कि जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए कभी कभी पीछे भी हटना पड़ता है. तीसरी ये कि जो छोटे लोग होते हैं, जो आप समझते हैं, कई लोग ऐसी बात मानते हैं, जो पॉन्स होते हैं, जो प्यादे होते हैं, उनकी सबसे ज्यादा इज्जत करना जिंदगी के अंदर. कोई भी इंसान छोटा नहीं होता, हमेशा हमेशा जिंदगी में काम आता है. और कामयाबी हासिल करने के लिए आखिरी बात शतरंज ये सिखाती है हमको कि कभी कभी जिस चीज से सबसे ज्यादा लगाव होता है, जैसे रानी से अमूमन हो जाता है, कभी कभी उसे भी सैक्रिफाइस करना पड़ता है आगे बढ़ने के लिए. दूसरी चीज जो उन्होंने मुझे दी, मेरे पास है वक्त, दो मिनट बोल सकता हूं मैं, सॉरी. दूसरी चीज जो उन्होंने मुझे दी थी, वो एक टाइपराइटर दिया था. आज के जमाने में आई डोंट थिंक किसी को, बहुत सारे बच्चे होंगे यहां पे जिनको मालूम भी नहीं होगा टाइपराइटर कैसा लगता है. अब सब कंप्यूटर पे काम करते हैं, तो टाइपराइटर के ऊपर जब आदमी लिखता है और अगर गलत लिखता है तो उसको मिटाने में बहुत तकलीफ होती है. सो यू हैव टू बी वेरी डेलिजेंट, बहुत ध्यान से लिखना पड़ता है, हम गलती नहीं कर सकते. और टाइपेक्स यूज करते थे टाइप को निकालने के लिए, कभी उंगली फंस जाती थी उसकी कीज के बीच में, मगर बहुत मेहनत से, बहुत डेलिजेंस से काम करना पड़ता था. तो जब मैं उस पर टाइपिंग सीखा स्कूल में कॉमर्स करते वक्त, सो द ओनली थिंग आई रियलाइज इज दैट प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट. तो जो भी काम आप जिंदगी में करें उसको डेलिजेंस से करें, ऐसा करें कि कोई गलती ना हो, अपना पूरा दिमाग लगाकर करें, सोच समझ कर करें, ऐसे करें कि यह काम जिंदगी में आपका पहला काम है और इसके बाद आपको मौका नहीं मिलेगा, और शायद ये काम आपका जिंदगी का आखिरी काम है, इसके बाद फिर मौका नहीं मिलेगा. सो डू इट विद दैट काइंड ऑफ डिलिजेंस. तीसरी चीज उन्होंने मुझे एक कैमरा दी थी, क्योंकि बहुत गरीब थे, वो कैमरा चलता नहीं था बिल्कुल भी, सिर्फ उसके व्यू फाइंडर से बड़ी अच्छी अच्छी तस्वीरें दिख जाती थी लेकिन खिंचती बिल्कुल भी नहीं थी. और इससे मुझे उन्होंने सीख दी कि जो हमारी क्रिएटिविटी होती है, हम जो भी, कभी कभी हमारी हॉबी होती है, कभी कभी हमारा उससे प्यार होता है, लेकिन हम उसको अपनी नौकरी नहीं बना सकते, अपना काम नहीं बना सकते. बहुत कम लोग
ऐसे फॉर्चुनेट होते हैं जैसे मैं हूं कि जो मेरी हॉबी थी, जिस चीज से मुझे प्यार था, कलाकारी से, एक्टिंग से, वो मेरा पेशा भी बन गया। अमूमन ऐसा होता नहीं है, लेकिन जो हमारी कला है, चाहे वो पोएट्री है, चाहे वो लिखना है, चाहे वो पेंटिंग है, चाहे जो भी चीज, गाना है, अकेले में गाना है, हमारी क्रिएटिविटी जरूरी नहीं है कि दुनिया एक्सेप्ट करे। जैसे उस कैमरा की तस्वीरें दिखती नहीं है, लेकिन उसमें देखने से खूबसूरत लगता है हर कुछ, वैसे ही आपकी जो क्रिएटिविटी है वो अपने लिए रखें। क्योंकि जिंदगी में कभी ना कभी, कहीं ना कभी ऐसा मुकाम आएगा जब आप बहुत अकेला फील करेंगे, हो सकता है दुख का समय भी आए, उस वक्त आपकी जो क्रिएटिविटी है वो आपकी सबसे अच्छी दोस्त होगी, दुनिया उसको माने या ना माने। मैं बहुत खराब पोएट्री करता हूं, लेकिन जब भी दुखी होता हूं तो लिख लेता हूं। सराफ साहब से मैं अब सीखना भी चाहता हूं, मैं रेखता पे जाऊंगा, मुझे लगता है ये कमाल की साइट है, थोड़ी मैं शायरी वगैरह सीखूंगा। मेरी शायरी बहुत खराब है कि हमने तुम्हारी याद में रो रो के टब भर दिए, वो आए और नहाकर चल दिए, इस लेवल की पोएट्री है। लेकिन जब दुख होता है, ये भी बैठकर जब लिखता हूं तो बहुत दिल को शांति मिलती है। आखिरी चीज मेरे वालिद ने जो मुझे दी थी, वो दोनों मिक्स है, मैं जल्दी खत्म करता हूं क्योंकि आप लोगों के पास वक्त नहीं है, आप लोगों को अपनी डिग्रीज लेनी है, सोच रहे होंगे इतना वक्त जाया कर रहा है हमारा ये, तो मैं जल्दी से बताता हूं। एक उन्होंने मुझे कहा, एक सेंस ऑफ ह्यूमर हमेशा रखना जिंदगी में, हंसते हमेशा रहना, एक चाइल्ड लाइक इनोसेंस जरूर रखना। जैसे एक छोटे बच्चे की जो एक इनोसेंस होती है, जो उसका दुनिया की तरफ जो नजरिया होता है, बड़ा इनोसेंट सा होता है, उसमें कोई खामी नहीं होती, गलती नहीं होती, अभी दुनियावी बातें नहीं आई होती, तो वैसे ही रखना। कई बार बचपन में मैंने जब बदतमीजी की या कोई गलत काम किया, तो उन्होंने सेंस ऑफ ह्यूमर से मुझे बचाया। और जिंदगी भर अगर आप अपने ऊपर, अपने हाल पे, दुनिया पे, क्योंकि लोग आपसे हर कोई बात कहेंगे, अच्छी बात भी कहेंगे, बुरी बात भी कहेंगे, क्योंकि लोगों का काम है कहना, अगर आप उसको एक सेंस ऑफ ह्यूमर से देख सकेंगे तो जिंदगी जो है बहुत बेहतर रहेगी। एंड लास्ट नॉट द लीस्ट, व्हाट माय फादर गेव मी, व्हाट माय मदर गेव मी, एंड व्हाट योर पेरेंट्स हैव गिवन यू, आपके जो पेरेंट्स हैं, जो आपको दिया है, वो सबसे बड़ी गिफ्ट है, गिफ्ट ऑफ लाइफ। जिंदगी की जो जिंदगी एक खुद ही सबसे बड़ा तोहफा है हमारी जिंदगी, और उसको वैसे ही ट्रीट कीजिए। जिंदगी के अंदर जो भी मुकाम आए, जैसी भी चीजें हो, अच्छा हो, बुरा हो, कभी अंधेरा हो, कभी उजाला हो, हर चीज को रिस्पेक्ट कीजिए और जिंदगी में ग्रेस रखिए हर इंसान की तरफ। हर इंसान जो भी आपसे जो भी बात करेगा, वो अपनी मुसीबत के हिसाब से करेगा, अपनी हैसियत के हिसाब से करेगा, कभी गलत बात भी बोलेगा, ऊंची बात भी बोलेगा। जब आप काम करेंगे, जब आप बड़ी बड़ी कंपनीज के अंदर नौकरी हासिल करेंगे, आपका हमेशा झगड़ा रहेगा, जो मेरा जूनियर है वो ऐसी बात करता है, मेरा सीनियर जो है ऐसी बात करता है, लेकिन सब जो है जिंदगी से जूझ रहे हैं, इस जिंदगी में कुछ बनने की कोशिश कर रहे हैं। सो वो ग्रेस जो है, वो लीवे जो है, हर किसी को दीजिएगा, जो आपके साथी हैं, जो आपके साथ साथ काम कर रहे हैं, जो आपका साथ काम नहीं भी कर रहे और जो आपका साथ नहीं भी दे रहे। ग्रेस से बड़ी चीज आप जिंदगी को वापस नहीं लौटा सकते। ये चार पांच चीजें याद रखिएगा, याद रखिएगा, नहीं रहे तो कोई बात नहीं, आप लोग बहुत कुछ अभी इस जगह पर इल्म हासिल कर चुके हैं, और मुझे उम्मीद है और मुझे यकीन है कि आप जो भी करेंगे जिंदगी में बहुत कामयाब होंगे। और फिर से मैं मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि मुझे यहां पर बुलाया, आपसे मुखातिब होने का मौका दिया। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। और आप, मुझे मालूम है कुछ टीचर्स जो होंगे यहां पर बैठे होंगे, जो आपके फेवरेट नहीं भी हैं, जो बहुत स्ट्रिक्ट होंगे, डांटते भी होंगे आपको, उनको सबसे ज्यादा याद रखिएगा जब आप इस यूनिवर्सिटी से बाहर जाएंगे, क्योंकि जो सबसे ज्यादा टीचर आपसे स्ट्रिक्ट थे, वो एक्चुअली सबसे ज्यादा आपसे प्यार करते थे। थैंक यू वेरी मच।